अम्मी आपको बहुत दुआएं देती हैं। शायद इन्हीं की दुआएं लग रही हैं। आप पूछ रही थी कुछ, प्लीज पूछे। मैं जो पूछूंगी शानी को नहीं बताना आपने। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, हम दोनों की बातें हमारे दरमियान ही रहेंगी। नादिया, क्या शानी ने कभी किसी से मोहब्बत की है? जो बात है मुझे बता सकती हूँ। वो जब भी मोहब्बत करेगा आपसे ही करेगा। कहो क्या कहना था तुम्हें। सरोजन, बेध्यानी में आपको हर्ट किया था, उसके लिए सॉरी कहना चाह रहा था। बेध्यानी में किया या जानबूझकर, लेकिन मुझे तुम्हारी जुर्रत पर हैरत हुई है। आप फिक्र नहीं करें, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। Be careful next time. Go and concentrate on your work. Thank you, sir. आप तो बहुत शर्मिंदा कर रही हैं, फिर इतना तकल्लुफ किया आपने। तकल्लुफ कैसा बहन जी, मेरा बेटा तो इतना खुश है कि खुशी में हर जगह मिठाई बांटता फिर रहा है। अम्मी क्यों ना बांटे, उसके भाई की तारीख तय हुई है, सबको पता चलना चाहिए कि भाई की शादी हो रही है। खैर से आंटी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा तुम सबको भी बहुत मुबारक हो, अल्लाह खैर आफियत से सब काम करवा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब आंटी वो नादिया नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? अपनी सहेली के साथ शॉपिंग के लिए गई हुई है। अच्छा। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे गिनती के 4 दिन तो बाकी रह गए, अब तो भागम भाग तैयारी करनी होगी। हम दोनों भी यहाँ से शॉपिंग करने जाएंगे। वैसे आप लोगों ने तो काफी तैयारी कर रखी होगी। जी बस जो कुछ भी हो सका करेंगे। हर माँ ये चाहती है कि अपनी बेटी को दुनिया की हर आसाइश दे के भेजे। अरे मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अकलौती बेटी है आपकी शानी और आपकी लाडली है ना? हमारे तो इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन फिर भी मेरी अम्मी ने मुझे जहेज में वो सब कुछ दिया था जो सोचा जा सकता था। और यहाँ तक कि मेरी अम्मी ने तो मेरे ससुराल वालों को भी सोने की चीजें डाली थी। तुम बच्चे इन बातों को नहीं समझते, बेटी की इज्जत होती है ससुराल में। आप मेरे दिल की बात पूछे तो मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ से, मुझे तो सिर्फ नादिया चाहिए। लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ, जमाने के रीत रिवाज भी तो देखने पड़ते ना। अब तो लोग मुंह खोल के पूछते कि बहू जहेज में क्या क्या लाई है। अम्मा मुझसे तो कल सज्जू खाला कह रही थी कि खावर के ससुराल वाले सिर्फ एक ही बेडरूम का एसी दे रहे हैं या फिर ड्राइंग रूम के लिए भी एसी दे रहे हैं। अरे सज्जू खाला की बात छोड़ो, तुम्हारा मियाँ खुद मुझसे पूछ रहा था कि खावर के ससुराल वाले गाड़ी कौन सी दे रहे। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम इन बातों का, जो भी देंगे अच्छी देंगे। क्यों बहन, ठीक कहा ना मैंने? लेकिन गाड़ी का तो हमने सोचा ही नहीं था। कमाल करती आप, आपको क्या अच्छा लगेगा कि आपकी बेटी और दामाद मोटरसाइकिलों पे धक्के खाते फिरे? असल में शानी की नई नई नौकरी लगी है, मेरे ख्याल में तो मुमकिन नहीं हो सकेगा।
अब आंटी, बेटियों को जहेज देना वैसे ही आसान काम नहीं होता। लोग तो कर्जा लेकर ही करते हैं शादी। खैर आप परेशान नहीं हो, अल्लाह सब ठीक करेगा। वैसे अम्मा वो लिस्ट नहीं लाई आप देनी थी आंटी को? आए हाय, अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया, मैं तो भूल ही गई थी। कैसी लिस्ट? ये ज्यादा नहीं, मोटी मोटी चीजें लिख कर दिए। ये जहेज की कुछ चीजें देख लीजिएगा। आप इस बात की फिक्र मत कीजिएगा कि हम सामान कहाँ रखेंगे, घर में जगह नहीं होगी। मैंने तो ड्राइंग रूम खाली कर दिया है कि बहू जो चीजें लाएगी वहीं सेट कर दूंगी। हाय अम्मा, वाकई बिल्कुल सही किया आपने। नादिया इतनी सारी चीजें लाएगी अपनी पसंद से, अच्छा है उसको मौका मिलेगा इस्तेमाल करने का। सही किया अम्मा आपने। सजीला बेटा, शानी का फोन आया था? नहीं, फोन तो नहीं आया, लेकिन ये जरूर पता चला कि ऑफिस गए हैं वो। अल्लाह करे उसका फोन आ जाए। कहना क्या चाह रहे? तो बेटा तुम ही उसको फोन करके मुबारकबाद दे देती नादिया की तारीख पक्की होने की। पप्पू को किया था फोन मैंने, उसकी कॉल आएगी तो उसको भी कर दूंगी। हो सकता है वो तुम्हारे फोन का मुंतजर हो। सजीला बेटा, उसने तुम्हारी खातिर इतनी बड़ी बात मानी है, तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरी खातिर? अम्मी सबकी खातिर। उसका नौकरी पे जाना सिर्फ मेरे लिए फायदेमंद तो नहीं, सभी के लिए। पता नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब आपको किस बात से डर लग रहा है? नादिया आज शॉपिंग के लिए गई है। किसके साथ? अहम ये नहीं है कि किसके साथ, अहम ये है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ बाजार जाती, और इस दफा उसने तुम्हें बताना भी मुनासिब नहीं समझा। तो शानी के साथ गई होगी ना? नहीं, तुम्हारी पप्पू से बात हुई थी मेरी, बता रही थी अपनी किसी सहेली के साथ गई है। ओह, तो नाराज हैं वो, इसीलिए तो कह रही हूं बेटा। तुम शानी को फोन करके कहो वो तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटा दे। अंगूठी? हाँ मैं, आप ही ना बस करें। फिकर तो आप ऐसे करें जैसे वो मुझे नहीं लौटाएगा तो किसी और को जाके पहना देगा। हाँ जी, अच्छी दोस्ती निभा रही हैं आप। सुबह से ये तक नहीं पूछा कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसा हूँ। सुबह से टाइम ही कहाँ मिला, मैं तो नादिया के साथ शॉपिंग पे आ गई थी। मजाक कर रहा हूँ, अम्मी ने बता दिया था मुझे। अच्छा, से शुक्र है कि तुम हंस रहे हो, वरना मुझे था कि तुम डांटोगे कि मैं नादिया को क्यों लेके गई।
नहीं, अब बहुत सी बातों पे नहीं डांटूंगा मैं आपको। मसलन किन किन बातों पे? उन सब बातों पे जिन पे आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है। थैंक यू। नादिया तो खुश है ना? यस, बहुत खुश हैं। और मैंने आंटी से भी कह दिया कि नादिया की शॉपिंग की बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं उससे रोजाना पिक कर लूंगी, शॉपिंग करवा दूंगी और ड्रॉप भी कर लूंगी। क्या कह सकता हूँ? थैंक यू। थैंक यू किस बात का? ना अच्छा हो जाने पर। चलो मैं फोन रख रही हूँ, बाद में बात करेंगे। बाय बाय। नाराज तो नहीं हो रहा था शानी? बिल्कुल भी नहीं, अब तो मेरी और आपकी दोस्ती हो गई है। परफेक्ट रहता। थैंक यू। आप ले जाइए। शुक्रिया। याद आ गई मेरी? तुम्हें तो अभी तक नहीं आई। इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे नहीं बताया? जो कुछ मैंने तुम्हें बताया उसे तुमने कब बड़ा समझा? बातें सुनाने के लिए कॉल की है? नहीं, ये पूछने के लिए कॉल की है कि अब तो मैंने तुम्हारी बात मान ली है, अब किस बात की नाराजगी है? यही कि तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम ऑफिस वापस जाने लगे हो, और तो नादिया आपी की डेट भी फिक्स हो गई। जिनसे मेरे ऑफिस छोड़ने की खबर मिली थी तुम्हें, उन्होंने ज्वाइन करने की भी खबर दे दी होगी ना? क्यों हमेशा कड़वी बातें करते हो? जिंदगी की कड़वी हकीकतों ने लहजे की मिठास छीन लिया सजीला। एंग्री यंग मैन बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? दुनिया अगर अपनी मर्जी से जीने दे तो किसका दिल चाहता है एंग्री यंग मैन बनने का? अच्छी सब बातें छोड़, ये बताओ वापसी में आओगे? क्यों? ठीक है नहीं आओ, तुम्हारी मर्जी। एक तो तुम्हें नाराज होने का बहुत शौक है। आऊंगा यार। सही, फिर हम बाहर जाएंगे अपनी गाड़ी में। ओके। मैं इंतजार करूंगी। बाय बाय। गाड़ी आपको पता था ना कि मामी ने डॉक्टर के पास जाना है, उनकी अपॉइंटमेंट है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें शादी पे ना जाना होता तो मैं तुमसे कहती कि भाभी को ले जाओ। अम्मी शादी में जाना ज्यादा अहम था या मामी की अपॉइंटमेंट? सर वो तो एक रूटीन चेकअप के लिए जाना था, उन्हें इतनी कोई इमरजेंसी तो नहीं थी। अच्छा, मेरा शादी में जाना इमरजेंसी थी और उनका डॉक्टर के पास जाना इमरजेंसी नहीं थी। वाह अम्मी वाह, कमाल है। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? अम्मी मेरे लहजे में कड़वाहट आप लोगों ने भरी, सॉरी। मुझे उम्मीद है भाभी महसूस नहीं करेंगी। मामी महसूस करें या ना करें अम्मी, लेकिन सजीला के सामने और मामी के सामने मैं नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। तुम गए थे वहां? जी गया था, और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपने वो बात भी मुझसे छुपाई और उनसे झूठ भी बोला। तुम मेरी तरफ से इतने बदगुमान क्यों हो? सजीला ले गई होगी उन्हें डॉक्टर के पास, पहले भी ले जाती थी, वो तुम्हारी गाड़ी की मोहताज नहीं है। अम्मी पहले की बात और थी, अब उसको मेरी गाड़ी की मोहताजी है। उसे छोटी छोटी जगहों पे भी जाना होता है ना मोहल्ले में, तो मेरी गाड़ी की राह देख रही होती है। मानते हो ना कि उसे तुम्हारी गाड़ी की जरूरत है, इसीलिए कहती हूँ जिनकी जरूरतें तुमसे वाबस्ता हैं उनका ख्याल रखना है तो पहले उनका ख्याल रखो जो तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।
अम्मी शानजी की चॉइस इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त शॉपिंग कराई है, मैं बता नहीं सकती कितना खूबसूरत कलर है ना ये वाला। बहुत खूबसूरत है। लेकिन बेटा तुम इतना कुछ कर चुकी हो, अब क्या क्या करोगे हमारे लिए? आंटी नादिया ने मुझे बताया था कि ज्वेलरी आपने बना रखी है, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी पेशी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। कमियां तो बेटा लड़के वालों को आखिर तक लगती हैं। उनका बस चले तो माँ बाप को कहीं का ना छोड़े। क्यों अम्मी अब क्या हो गया, खैरियत है? तुम्हारी सास और नंद आई थी, ये लिस्ट दे गई है जहेज की। इतनी बड़ी लिस्ट? बाकी सब चीजें तो कर्जे लेकर किसी तरह कर भी ली जाए, लेकिन गाड़ी का मुतालबा कैसे पूरा करें? गाड़ी? इतने लालची लोग हैं वो। लालची होने में तो उनके कोई शक नहीं है, लेकिन अब इतने सालों से मंगनी हुई भी है और फिर तुमसे क्या छुपाना, नादिया की अपनी मर्जी भी यही है, वरना मैं तो न जाने कब से इन लालची लोगों से पीछा छुड़ा चुकी हूं। क्यों रो रही? उन लोगों को हमारी हैसियत का पता भी है, फिर भी हमसे इतनी बड़ी डिमांड कर दी। उनकी इस हरकत ने तो मुझे भी बहुत डिसअपॉइंट किया है। मैं बात करूंगी खावर से, अगर उनकी ये डिमांड ही शरारत है तो फिर मुझे साफ साफ इनकार है। आप दिल से कह रही हैं? बिल्कुल, हम कौन से रईस हैं जो उनकी डिमांड्स पूरी करते फिरेंगे। ये बात तो खावर भाई को समझनी चाहिए, वरना वो क्यों इतनी डिमांड्स करते हैं आपसे? खावर बुरे नहीं है, बस उनकी फैमिली वाले बहुत लालची हैं। एक बात पूछूं आपसे, आप मोहब्बत करती हैं खावर भाई से? सॉरी आपका पर्सनल मैटर है, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। हमारी मंगनी रही है इतने साल, जाहिर सी बात है मोहब्बत तो हो ही जाती है। और खावर भाई को? उन्हें भी है, तभी तो इतने अरसे से रिश्ते निभा रहे हैं। जो रिश्ते निभाते हैं वो मुश्किलों में नहीं डालते। क्यों छोड़ दिए थे मजे के? बहुत खा लिए भाई, और कितने खाऊंगा? मेरा बसर तो पूरी रात खाती रहूं। जानता हूं। अम्मी को। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कहां हो तुम, आए नहीं अभी तक? हां मैं मामी की तरफ आ गया था, बस आ रहा हूं। ये पीछे से तो गाड़ियों की आवाजें आ रही हैं, कहीं बाहर हो? ना, सजीला को गोलगप्पे खिलाने ले आया था,
एक्चुअली एक डॉक्टर के पास गया था, उसने कहा था कि इसके जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है कि सारी जिंदगी गोलगप्पे खाती रहे। हद होती है बेटा, घर में बहन की शादी के लाखों काम बिखरे पड़े हैं, इतना कुछ है होने को और तुम हो के घर से गायब हो, सजीला को लिए घूम फिर रहे हो। जल्दी आओ वापस। आ रहा हूं, खैरियत है ना सब? अरे तुम घर आओ तो मैं बताऊं ना, घर आ जाओ जल्दी, इंतजार कर रही हूं मैं। आ रहा हूं, दफ। क्या वो सब खैरियत है? मम्मी कॉल थी, घर जाना यार। उनको तुमने बताया था कि तुम मेरे साथ हो? हाँ बताया था यार, अल्लाह करे सब खैरियत हो। जल्दी खत्म करो। बस दो मिनट तो। लास्ट। जल्दी करो, प्लेट वापस करनी। बस बस। भजन, प्लेट वापस। खावर बहुत कमजोर होते हैं वो मर्द जो औरत के जहेज से अपना घर भरते हैं। नादिया तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। इंसल्ट तो मेरी हुई है खावर, मैंने आपकी वजह से अम्मी से कह दिया था कि अगर खावर मेरी जिंदगी में नहीं आए तो और कोई मेरी जिंदगी में नहीं आ सकता। हाँ तो कुछ गलत तो नहीं कहा था, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से इतनी दूर से आया हूँ यहाँ। जो मोहब्बत करते है ना खावर, वो दूसरे को आजमाइश में नहीं डालते। आपने वो लिस्ट देखी है जो आपकी बहन और अम्मी हमारे घर देकर गए? हाँ मैंने जहेज वाली लिस्ट देखी है, मुझे तो उसमें काबिले एतराज कोई चीज नहीं लगी। इतना कुछ तो हर वालदैन अपनी बेटी को देते हैं यार। किन लोगों की बात कर रहे हैं आप खावर? हम कोई लैंडलॉर्ड नहीं है। मेरा भाई एक कंपनी में जॉब करता है, वो मालिक नहीं है वहाँ का। अच्छा तो मतलब तुम्हें शानी ने फोन करने को कहा है? नहीं, शानी को इस बारे में अभी कुछ नहीं पता। बड़ा बेखबर चल रहा है घर से, भाई उसको बताओ ताकि वो इंतजाम करे इन चीजों का। क्या मतलब आप कुछ नहीं करेंगे? क्या करूं मैं बताओ, अभी से अपने घर वालों से मुखालफत मोल लेकर बैठ जाऊं। और वैसे भी उन्होंने ऐसा क्या कह दिया? भाई उनकी इतनी सी ख्वाहिश है कि उनकी बहू जो है वो अच्छे घर से हो और अपने साथ इतना कुछ सामान लाए कि आसपास के लोगों को बात करने का मौका ना मिले। एक बात बताएं, अगर शानी के पास ये जॉब नहीं होती तो क्या आप हमें इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ाते? अच्छा हम मफरूजों पे क्यों बात कर रहे हैं, तब की तब देखी जाती। अभी तुम ऐसा करो कि शानी को बताओ ये मामला ताकि वो इंतजाम करे और तुम सिर्फ खुश रहो। ये दिन जो होते हैं ना, ये खुशी खुशी इंतजार करने के दिन होते हैं। मुझे एक बात बताएं खावर, आप इतना अरसा मुल्क से बाहर रहे, आपने अपने लिए गाड़ी नहीं खरीदी? क्या कहना चाहती हो तुम? खावर मैं ये कहना चाहती हूँ कि गाड़ी हम नहीं देंगे क्योंकि हमारी हैसियत नहीं है। और प्लीज अब ये मत कहिएगा कि मेरा भाई इंतजाम कर लेगा। कोई इनकार करे ना करे, लेकिन मैं इस बात से इनकार कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ से शादी करके जाऊँ और मेरे फैमिली वाले कर्जे के बोझ तले दबे रहे। I'm sorry. देखो मेरी बात सुनो। हेलो नादिया, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अखलौती बेटी है आपकी शानी और आपकी लाडली है ना? हमारे तो इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन फिर भी मेरी अम्मी ने मुझे जहेज में वो सब कुछ दिया था जो सोचा जा सकता था। और यहाँ तक कि मेरी अम्मी ने तो मेरे ससुराल वालों को भी सोने की चीजें डाली थी। अरे तुम बच्चे इन बातों को नहीं समझते,
बेटी की इज्जत होती है ससुराल में। आप मेरे दिल की बात पूछे तो मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ से, मुझे तो सिर्फ नादिया चाहिए। लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ, जमाने के रीत रिवाज भी तो देखने पड़ते ना। अब तो लोग मुंह खोल के पूछते कि बहू जहेज में क्या क्या लाइए। अम्मा मुझसे तो कल सज्जू खाला कह रही थी कि खावर के ससुराल वाले सिर्फ एक ही बेडरूम का एसी दे रहे हैं या फिर ड्राइंग रूम के लिए भी एसी दे रहे हैं। अरे सज्जो खाला की बात छोड़ो, तुम्हारा मियाँ खुद मुझसे पूछ रहा था कि खावर के ससुराल वाले गाड़ी कौन सी दे रहे हैं। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम इन बातों का, जो भी देंगे अच्छी देंगे। क्यों बहन, ठीक कहा ना मैंने? लेकिन गाड़ी का तो हमने सोचा ही नहीं था। कमाल करती आप, आपको क्या अच्छा लगेगा कि आपकी बेटी और दामाद मोटरसाइकिलों पे धक्के खाते फिरे? गाड़ी, इतने लालची लोग हैं वो। ये लिस्ट शांजे ने भी देखी थी, उसे तो इतना गुस्सा था इस बात पर, कहेंगे किस किस्म के लोगों से आपने रिश्ता तय कर दिया है? किस किस्म के लोग? लालची और खुदगर्ज। रहने दें, उसकी नजर में सिर्फ वही लोग लालची और खुदगर्ज नहीं है, उनके बारे में तो उसने मुंह से कह दिया, हमारे बारे में तो पता नहीं दिल में क्या क्या सोचती थी। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम, खावर की माँ और बहन से मिला रहे हो हमें? अरे उन्होंने तो मुंह से मांगा है, हमने तो कभी शांजे से कोई मुतालबा नहीं किया। तो आपने मुतालबे की नौबत आने दी है कभी? ये तो ठीक कह रहे हो तुम, आज भी नादिया को इतनी शॉपिंग कराई है उसने। आपने गाड़ी का जिक्र तो नहीं कर दिया कहीं? जिक्र तो कर दिया था, लेकिन उसने भी यही कहा, कहेंगे हरगिज उनका हर मुतालबा मानने की जरूरत नहीं है। क्या करती हैं आप? और नादिया क्या कह रही थी? वो बेचारी क्या कहेगी। अम्मी आप भी हद करती, हर बात उससे करने वाली नहीं होती। तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह सब बंदोबस्त हो जाएगा। किसका? गाड़ी का और किसका? नहीं शानी, मना कर दिया मैंने। और अगर मेरे मना करने की वजह से वो इनकार कर देते हैं तो कर दें, बल्कि अब तो कर ही दें तो अच्छा। ये प्लीज समझाएं इसको और इसको कहें कि बार बार उन लोगों से फोन पर रब्ता करने की कोई जरूरत नहीं है। रो रो के बुरा हाल कर लिया था इसने, जब ही तो मैंने तुम्हें फोन करके बुलाया कि तुम होगे तो इसे समझाओगे। और हाँ, ये सजीला की तरफ क्यों गए थे तुम, याद नहीं उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? क्यों, क्या किया उसने? अरे मंगनी तोड़ी थी, इससे बढ़कर क्या होगा? मैं बस रहने दे, उसने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है कि सबके सामने ऐलान करके उसने अंगूठी वापस की है। आप सब लोगों ने तो बगैर ऐलान किए ही सारे रिश्ते तोड़ दिया था, गैर समझने लगे थे मुझे, लापरवाह, गैर जिम्मेदार, जालिम, पता नहीं क्या क्या कहते थे। बाहर बहस पर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप नादिया को कह देंगे परेशान ना हो, अल्लाह कोई ना कोई सबब जरूर बनाएगा। देखो खावर, हमने जो भी बात की ना, तुम्हारी मर्जी से और तुम्हें बताकर की है। अम्मी वैसे मुझे लग रहा है इसको नादिया का फोन आया भी, जब भी तो इतना बदला बदला लग रहा है, ये तो अभी से उसके इशारों पे चलने लगा। अभी शुरू में उसके इशारों पे चलूंगा तभी तो हमेशा के लिए उसको अपने इशारों पे चला सकूंगा ना। अरे रहने दो खावर, तुम तो बहुत ही बुजदिल निकले। वैसे तुम्हें फोन करके क्या कहा था उसने? कहना क्या है, गाड़ी देने से साफ इनकार करती हूँ। कह रही थी अगर गाड़ी की उम्मीद रखनी है तो किसी और का कर देख लो। तौबा तौबा तौबा, उसे ऐसी बात कहते हुए शर्म नहीं आई?
वैसे अम्मा आपस की बात है, शर्म तो हमें भी नहीं आई, एक साथ मिलके मुंह खोल दिया उनके आगे। तो मुझे क्यों ऐसी बातें सुना रहे हो? मैंने कौन सा गाड़ी में घूमना था, ऐश भी उसी ने करने थे। ऐसे अम्मी, लोगों ने ये सही नहीं किया, नादिया के हाथों मना करवा दिया। खैर, नादिया ने घर वालों के कहने पे मना नहीं किया, उसका कहना है कि अफोर्ड नहीं कर सकते वो गाड़ी। अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम जोर डालो सब अफोर्ड हो जाएगा। अम्मा, ये दिलों में नफरत क्यों डालना चाह रही है? मेरे अगर जोर देने से उनने रिश्ते से इनकार कर दिया तो? अब कहाँ चल दी है? रिश्ता बचाने के लिए। जहेज में अगर गाड़ी ना भी मिले ना तो खैर है, लेकिन अगर यहाँ रिश्ता ना हुआ तो हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अम्मी, वैसे आपका बेटा तो गया अपने ससुराल में नंबर बढ़ाने। अरे रहने दो शादिया, तुम्हारा भाई इतना भी बेवकूफ नहीं है जितना तुम समझती हो। आज नंबर बनाएगा तो कल ये नंबर काम भी आएंगे। आज गाड़ी नहीं मिली तो क्या बात है, गाड़ी तो शादी के बाद भी निकलवाई जा सकती है। बस आपसे बात ही नहीं हो पा रही थी, मैं उस दिन घर भी गया था लेकिन आप थे नहीं मौजूद। कोई बात नहीं, फोन पे तो बात हो गई थी ना। नादिया बेटा चाय ले आओ। नहीं आंटी, इतनी देर नहीं रुकूंगा, बस आपसे और शानी से बात करनी थी इसलिए आया था। हाँ बेटा, मैं समझ सकती तुम्हें क्या बात करनी है। बेटा नादिया की बात का बुरा मत मानना। अरे नहीं नहीं आंटी, नादिया की बातों ने तो मेरी आंखें खोली हैं। अब हमारी तरफ से कोई मुतालबा नहीं है, आप चाहे नादिया को कुछ ना दे, जैसी आपकी मर्जी। थैंक यू खार भाई, लेकिन आप फिक्र ना करें, हमसे जो मुमकिन होगा हम करेंगे। आप लोगों की नेकनामी और इखलाक ही मेरे लिए बहुत कुछ है, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि अम्मी वालों ने आपके सामने इतने सारे मुतालबे रख दिए हैं। मैंने भला क्या करनी है गाड़ी, मैं तो वैसे वापस चला जाऊंगा और इंशाल्लाह नादिया को भी वहां बुला लूंगा, पीछे कौन चलाएगा गाड़ी। थैंक यू खावर भाई, आपको अंदाजा नहीं है आपने कितना बोझ हल्का कर दिया हमारा। अरे नहीं नहीं, ये तो घर की बात है और आप मुझे अपना बेटा ही समझें। सजीला जी। अम्मी। अरे नाश्ता ले आई तुम? जी। बेटा शानी ने अंगूठी के बारे में कोई बात की तुमसे? नहीं अम्मी, कोई जिक्र ही नहीं हुआ इस बारे में। अच्छा, मैं तो समझ रही थी अंगूठी पहना कर गया होगा। तो बहुत अच्छे से जानती हूँ अम्मी उसको, वो चाहता है कि इस बारे में मैं बात करूं उससे, कि मैं नहीं करूंगी। तुम नादिया के पास क्यों नहीं चली जाती? आजकल वो अकेली शॉपिंग पर जा रही होगी। मुझे तो हैरत है उसने अब तक तुमसे साथ चलने को क्यों नहीं कहा, जबकि उसे तो एक हाथ बटाने वाले की सख्त जरूरत है। चलो आप परेशान हो, मैं चली जाती हूँ उसकी तरफ, ठीक है? चलो आप नाश्ता तो करें, चाय ठंडी हो जाएगी, फिर आप कहेंगी कि गर्म करके लाओ।
तुमने किया? मैं कर लूंगी ये, मैं जब तक सब्जियां काट लेती हूँ। अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना दोनों। हाँ अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। अम्मी ठीक हैं? अम्मी बिल्कुल ठीक है, बल्कि उन्होंने ही भेजा मुझे, उन्होंने कहा आप ही को शॉपिंग पे जरूरत होगी तुम कहाँ जाके बटा लो, तो मैं आ गई। हाय सजीला शानजे, शानजे सजीला मेरे मामू की बेटी। चले? यस ऑफ कोर्स। ओके आंटी जी। अच्छा बेटा, खुदा आओ बेटा, तुम तो बैठो आओ।